इधर शहर के आमागढ़ पहाड़ी से ध्वज हटाने का विवाद अभी कम भी नहीं हुआ था। 1 अगस्त को सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने आमागढ़ पहाड़ी पर जाने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने भी 1 अगस्त को पहाड़ी पर इकट्ठा होने की बात कही है। विवाद को रोकने के लिए जयपुर पुलिस मुस्तैद हो गई है। पुलिस ने आज गलता गेट से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में फ्लैग मार्च निकाला है। आपको बता दें कि जयपुर की आमागढ़ की पहाड़ी पर धार्मिक ध्वज को हटा दिया गया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है आमेर के आसपास के इलाके में, जो गलता गेट इलाका है उसके आसपास के इलाके में, क्योंकि जो आमागढ़ पहाड़ी के ऊपर जो मामला हुआ था ध्वज को हटाने का, उसके बाद में जो मामला तूल पकड़ता गया, उसके बाद में ये एक संदेश दिया जा रहा है पुलिस की ओर से कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है और उसके साथ ही कोई भय भी ना फैलाएं। डीसीपी हमारे साथ में मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। सर, किस तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं फ्लैग मार्च के जरिए, कहाँ कहाँ निकाला जा रहा है? देखिए, ये जो फ्लैग मार्च है ये गलता गेट से लेकर सिसोदिया बागतर और आसपास के क्षेत्रों में रहेगा। हमारा मैसेज यही है कि भाई जो निषेधार्थ आदेश जारी किए गए हैं उसकी पालना करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। भीड़ भाड़ के अलावा अगर कोई 2-4 लोग वहां पर जाएं तो उनको भी रोका जाएगा, किस तरह से? देखिए, इसमें जैसे वन विभाग से पुलिस विभाग की चर्चा हुई है और एक तरह से प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है कि इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। क्या अतिरिक्त सुरक्षा जाब्ता आपने वहाँ पर लगाया है कल के लिए? हाँ, इसमें पर्याप्त मात्रा में RSC की कंपनीज, STF और रिजर्व जाब्ता लगाया गया है। लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि भाई नियमों की पालना करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। बिल्कुल, नियमों की पालना करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि 1 तारीख को जो बातचीत हुई है उसको लेकर के यहाँ पर कहा जा सकता है कि पुलिस पहले से अलर्ट है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरह से कहा था कल जब कमिश्नरेट पहुंचे थे कि वो जो पहाड़ियां हैं आमागढ़ की वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। अगर वो वहां पहुंचते हैं तो उनके साथ में भीड़ भाड़ भी हो सकती है और उसी को लेकर के एक संदेश देने की यहां पर कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं आपकी तमाम पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ में जो RSC की टुकड़ियाँ हैं वो इस फ्लैग मार्च के अंदर मौजूद है, जो कि इस पूरे इलाके में यहाँ पर निकाला जाना है। और तो इसके अंदर पुलिस अधिकारी सभी लोगों से ये मैसेज देते हुए यहाँ पर चल रहे हैं कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आमागढ़ की जो पहाड़ियां हैं वहां पर भी कोई जाकर के किसी तरह की गलत हरकत नहीं करे, अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ में पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ में शरद पुरोहित, जी मीडिया, जयपुर।